Okay, I think we are good to start. Let's see what we have done in our last session. Okay, we the operating system, and we have seen that there are multiple functionalities of an operating system, like multitasking, application and software management, file management, input-output device management, providing the user interface, interrupt handling, memory management, and we have many managements whenever we are dealing with the operating system. Walaikum salam, ji Abdullah, walaikum salam. अच्छा जी, अब हम लोग क्लास थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी के व्हाट एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल अबाउट. ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है हमारे पास? व्हेन वी टॉक अबाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम इज एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास क्या होता है? दिस इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज्ड टू मैनेज software as hardware of a system. तो एक सिस्टम का सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कौन मैनेज करता है? आपके पास एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, and we call this system software as operating system. What we call this system? We call this system as operating system. Beta, further class thoda sa aur aage badhte hain hum log yahan pe ab. And now just give me a minute. मैनेजमेंट टास्क के बारे में देखेंगे कि क्या क्या मैनेजमेंट टास्क परफॉर्म करता है आप लोग का ओएस, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम द पास्ट पेपर्स बेटा. ठीक है, सो अगर पेपर में क्लास सवाल आ जाए आपके पास एंड एग्जामिनर इज आस्किंग यू कि स्टेट फ्यू मैनेजमेंट टास्क परफॉर्म्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, तो सबसे पहला क्लास यहां पे अगर हम लोग टास्क देखें, दैट टास्क इज कॉल्ड फाइल मैनेजमेंट. तो व्हेन वी टॉक अबाउट द फाइल मैनेजमेंट के अंदर क्लास ये आपके पास डील करता है, डील्स विद डायरेक्टरी
स्ट्रक्चर्स। अब ये डायरेक्टली स्ट्रक्चर्स क्लास क्या होते हैं आपके पास, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, आप लोग ई के अंदर जाते हैं अपने एक फोल्डर के अंदर कंप्यूटर के अंदर, ई के अंदर जाने के बाद आप लोग जाते हैं सॉन्ग्स के अंदर, न्यू सॉन्ग्स के अंदर, एंड आप लोग क्या करते हैं, एक पूरा आप लोगों ने सिस्टम क्रिएट किया हुआ होता है, एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ होता है, लाइक ई सॉन्ग्स, न्यू सॉन्ग्स, 2020 सॉन्ग्स, जैज सॉन्ग्स। तो क्या ये जो आपका पूरा डायरेक्टरी क्रिएट हुई होती है, ये पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा होता है, तो ये कौन मैनेज कर रहा होता है आपका ये पूरा स्ट्रक्चरिंग, फाइल मैनेजमेंट। दूसरा काम क्लास फाइल मैनेजमेंट का होता है आपके पास यहां पे, दैट इज फाइल नेमिंग कन्वेंशन। तो फाइल का जो नाम रखा जाता है ये कौन मैनेज करता है क्लास आपके पास, फाइल मैनेजमेंट। एंड द लास्ट फाइल एक्सेस पॉलिसीज, आप लोग किस तरह फाइल को एक्सेस करेंगे, क्या करेंगे, तो ये सारी चीजें भी क्लास मैनेज की जाती है इन फाइल मैनेजमेंट स्टफ। ये सब भी चीजें क्लास कहां मैनेज की जाती है, ये सारी चीजें भी क्लास मैनेज की जाती है इन फाइल मैनेजमेंट। आफ्टर क्लास फाइल मैनेजमेंट हमारे पास क्लास एक और मैनेजमेंट आती है, दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी मैनेजमेंट। व्हेन वी टॉक अबाउट सिक्योरिटी मैनेजमेंट, तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट क्लास डील करती है आपके पास विथ यूजर अकाउंट्स। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा एक ही कंप्यूटर के अंदर मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएटेड होते हैं, लाइक वन ऑफ द अकाउंट इज फॉर लाइक एक आपके फादर का अलग अकाउंट है, आपके पेरेंट्स का अलग अकाउंट है, आपका अलग अकाउंट है, या स्कूल के अंदर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि टीचर स्टूडेंट एंड स्कूल तीन अलग अलग डिफरेंट अकाउंट्स बने हुए होते हैं, या जनरली हम लोग स्कूल को नाम दिया हुआ होता है हम लोगों ने मैनेजमेंट का या स्कूल एडमिन का, ठीक है। तो इस तरह के जो मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट होते हैं तो दैट इज एक्चुअली मैनेज्ड बाय सिक्योरिटी मैनेजमेंट। दूसरा काम होता है क्लास यहां पे हमारे पास सिक्योरिटी मैनेजमेंट का, दैट इज प्रोवाइडिंग द फायरवॉल। फायरवॉल क्या होती है, किस तरह से डील करते हैं, आगे बात करेंगे, नॉट राइट नाउ। एंड द लास्ट स्टफ, द लास्ट वर्क ऑफ द सिक्योरिटी मैनेजमेंट इज प्रोटेक्ट सिस्टम अगेंस्ट एनी मिलिशियस एक्टिविटीज। नाउ क्लास जिस तरह मैं अगर आप लोग को बोलूं फ्रूट्स, तो फ्रूट्स के अंदर आपके पास सारी कैटेगरीज आ जाती हैं, लाइक मैंगोस, टोमेटोस, एप्पल, बनाना, सब आ जाता है। तो व्हेनेवर हम लोग इसी तरह हम लोग अगर मिलिशियस का वर्ड यूज करते हैं तो मिलिशियस के अंदर क्लास आपके पास सारी चीजें आ जाती है दैट कैन हार्म योर सिस्टम, लाइक वायरस, स्पाइवेयर, फिशिंग, फार्मिंग, सारी चीजें क्या हो जाती है आपके पास मिलिशियस एक्टिविटीज के अंदर काउंट होती है, ठीक है। इसके बाद क्लास वी आर हैविंग वन मोर मैनेजमेंट, दैट इज कॉल्ड मेमोरी मैनेजमेंट। बिल्कुल, मेलवेयर इज इंक्लूडेड इन दिस टू। मेलवेयर इज एक्चुअली सेकंड नेम फॉर मिलिशियस सॉफ्टवेयर, अब्दुल्ला बेटा, ठीक है। मेलवेयर इज द सेकंड नेम फॉर मिलिशियस सॉफ्टवेयर, आप वाइस वर्सा दोनों को कॉल आउट कर सकते हैं। सिक्योरिटी मैनेजमेंट के बाद हम लोगों ने यहाँ पे दो मैनेजमेंट देखी, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, एंड वी हैव टू मोर मैनेजमेंट्स। वन ऑफ द मैनेजमेंट क्लास इज कॉल्ड डिवाइस मैनेजमेंट, एंड अनदर मैनेजमेंट क्लास इज कॉल्ड मेमोरी
management. When we talk about the device management stuff, तो क्लास डिवाइस मैनेजमेंट क्या होती है, इसके क्या रूल होते हैं आपके पास? इसके सिर्फ दो काम है. एक काम क्या होता है इसका, इंस्टॉल डिवाइस ड्राइवर्स, एंड इसका सेकंड काम होता है क्लास आपके पास, दैट रोल इज बैलेंसेस द लोड बिटवीन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. तो आप लोग की जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनके दरमियान क्लास डिवाइस मैनेजमेंट इज एक्चुअली मैनेजिंग द लोड, कितना लोड है किस डिवाइस के पास. तो ये कौन मैनेज कर रहा होता है आपके पास, डिवाइस मैनेजमेंट. एंड द लास्ट पार्ट क्लास इज कॉल्ड द मेमोरी मैनेजमेंट. मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर क्लास के तीन मेजर रोल होते हैं हमारे पास. नंबर वन, मेक श्योर दैट नो टू डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑक्यूपाइज द सेम मेमोरी. तो क्लास सबसे पहले क्या करती है आपके पास, मेमोरी मैनेजमेंट मेक श्योर करती है आपके पास कि दो डिफरेंट प्रोग्राम सेम मेमोरी ऑक्यूपाई ना कर ले. ठीक है, सेकंड क्लास, सेकंड स्टोर्स डेटा परमानेंटली. और एक और टास्क होता है क्लास आपके पास मेमोरी मैनेजमेंट का, दैट इज fetches data for execution. तो क्लास जिस डेटा को आपको एग्जीक्यूट करना होता है उसको फेच कौन करता है आपके पास, मेमोरी मैनेजमेंट इज इन्वॉल्व्ड इन द फेचिंग ऑफ द डेटा फॉर द एग्जीक्यूशन स्टफ. तो ये चार क्लास आपके पास मैनेजमेंट टास्क है, मेजर मैनेजमेंट टास्क है जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों को प्रोवाइड करता है. And you should know about these management tasks. ठीक है, moving forward, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पर अब थोड़ा सा और. And I think we are good. So अच्छा जी, we have few questions. Let me answer those questions and then I'm going to class move forward. The first question is, what are device drivers? Sabika is asking. तो सभी का बेटा डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं हमारे पास. देखिए, आपने कभी कोई भी आप प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, कोई भी आप डिवाइस क्या करें अपने कंप्यूटर के अंदर प्लग इन करें, जैसे ही आप प्लग इन करेंगी तो वो ऑटोमेटिकली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उसका जो ड्राइवर होता है जिसकी मदद से वो सॉफ्टवेयर चलता है उसको इंस्टॉल कर देता है. इन विंडोज 7 ऑनवर्ड्स, विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज 10 प्रो, ये तो खैर मैं विंडोज की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर एक ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूँ, लेकिन बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम भी. तो जब भी आप कोई एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट करती है अपने सिस्टम के साथ, सो ऑटोमेटिकली उस डिवाइस को रिकॉग्नाइज कर लेता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज कॉल्ड एक्चुअली द डिवाइस ड्राइवर्स. तो देयर आर डिवाइस ड्राइवर्स, विद द हेल्प ऑफ दैट वी रिकॉग्नाइजेस आवर डिवाइसेस. ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद वी हैव अनदर क्वेश्चन. पोलिंग लाइबा बेटा, मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, लेट्स सी, आई थिंक मुझे याद है लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को पोलिंग बताया था कि कॉन्स्टेंटली चेकिंग ऑफ द सिग्नल फ्रॉम द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. ठीक है, पोलिंग इज लाइक ये कंप्यूटर है आपका, ठीक है, इसके साथ कीबोर्ड लगा हुआ है, इसके साथ माउस लगा हुआ है, माउस से एज्यूम कर लें. ठीक है, तो ये कॉन्स्टेंटली आपका सीपीयू चेक करता रहता है फॉर सिग्नल्स फ्रॉम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. तो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड पोलिंग, कॉन्स्टेंट चेकिंग ऑफ द सिग्नल फ्रॉम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. ये तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था. ओके, वी हैव वन मोर क्वेश्चन सर, फायरवॉल की डेफिनेशन क्या है? जेन, अभी नहीं, फायरवॉल को मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा इंटरनेट सिक्योरिटी के चैप्टर के अंदर बेटा.
जब मैं आपको सिक्योरिटी पढ़ा रहूंगा तो मैं आपको फायरवॉल भी पढ़ाऊंगा और मैं इसके साथ साथ आपको प्रॉक्सी सर्वर भी पढ़ाऊंगा और दोनों के दरमियान डिफरेंसेस भी लिखवाऊंगा और बहुत सारी बातें करेंगे हम अबाउट फायरवॉल। ठीक है? अच्छा, एंड आई थिंक वी आर गुड, नो मोर क्वेश्चंस। ठीक है भाई, सो अब हम लोग क्लास आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्लास कुछ पास पेपर के क्वेश्चंस मैं आप लोग को दिखाता हूं ऑफ वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। ठीक है, वॉन न्यूमन के क्लास हम लोग के कुछ पास पेपर के क्वेश्चंस यहां पे देखते हैं और इंशाल्लाह ताला अगर हमें टाइम मिल गया तो आज की क्लास के अंदर ही हम लोग अपना पेपर टू भी स्टार्ट करेंगे। और मैंने आप लोग को बताया था, नाउ आई एम गोइंग टू परफॉर्म P2 सूडो कोड्स। तो पेपर टू के क्लास अब मैं आप लोग को सारे सूडो कोड्स करवाऊंगा आफ्टर कंप्लीटिंग द पास पेपर्स, और सूडो कोड्स करवाने के बाद फिर मैं क्लास मूव करवाऊंगा आप लोग को टूवर्ड्स अगेन द रिमेनिंग चैप्टर्स ऑफ पेपर वन। ठीक है, मीन वाइल क्लास हमारे पास बहुत सारे कुछ नए बच्चे आए तो फॉर देम क्लास आप लोग के लिए जो आप लोग का मैंने ईमेल मांगा हुआ है आप लोग के व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, तो आप लोग की यहाँ पे आईडीज क्रिएट करवा दी जाएंगी। अभी जो आप लोग को मैंने ईमेल लिए हुए तो मैं शाम तक आप लोग की आईडीज क्रिएट कर दूंगा। आफ्टर क्रिएशन ऑफ योर आईडीज तो आप लोग यहाँ पे लॉग इन कर लेगा एंड आप लोग आराम से आप लोग के जो जो चैप्टर्स हैं आप लोग यहाँ पे अपने सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स गो थ्रू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे आपको नंबर सिस्टम का कुछ वीडियोस देखनी है, आपने क्लिक किया तो मैंने नंबर सिस्टम कंप्लीट करवाया था इन 4 लेक्चर्स। तो 1, 2, 3, 4 आप लोग 1 by 1 पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। जो दूसरे बच्चे क्लास डेटा फॉर्मेट फॉर एग्जाम्पल, तो डेटा फॉर्मेट मैंने 3 लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट करवाया था। डेटा ट्रांसमिशन आई हैव कंडक्टेड 5 लेक्चर्स। इंटरनेट कम्युनिकेशन आई हैव कंडक्टेड 6 लेक्चर्स। ठीक है, लॉजिक गेट्स आई हैव कंडक्टेड 3 लेक्चर्स एंड वॉन न्यूमन अभी हमारे पास चल रहा है तो ये अभी करंट प्रोसेस के अंदर है अभी हमारे पास ये। ठीक है, तो इसी तरह आपके पास सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। अच्छा, इसी पोर्टल के ऊपर क्ला ये पोर्टल वापस से ओपन करने का मकसद ये था कि मैं आप लोग का अभी नेक्स्ट वीक टेस्ट भी अनाउंस करूंगा, सो दैट टेस्ट विल ऑल्सो बी कंडक्टेड ऑन दिस पोर्टल। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना होगा, लॉग इन करना होगा। आप लोग को यहाँ पे आप यहाँ पर आएंगे तो आप लोग को ये अभी लाइव लिखा हुआ है, तबड़ा बड़ा लाइव की जगह यहाँ पे लिखा हुआ होगा टेस्ट, तो आप लोग जस्ट क्लिक करेगा उसके ऊपर और आप लोग का टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो टेस्टिंग भी हम लोग अब इस सॉफ्टवेयर के ऊपर अप्लाई करेंगे, चेक करेंगे। ओके, मूविंग अहेड, आगे बढ़े क्लास हम लोग यहाँ पे अब एंड लेट्स सी द पास पेपर्स। कुछ पास पेपर क्वेश्चन कराने भाई मुझे, तो लेट मी ओपन एंड यू कैन कलेक्ट योर पास पेपर सेट फ्रॉम योर एडमिन रिसेप्शन। तो सिस्टम वाले जो बच्चे हैं उनको भी क्लास मैंने यहाँ पे आपके रिसेप्शन पे रखवा दिए और जो टीसीआर के बच्चे बैठे हैं दे कैन ऑल्सो कनेक्ट, दे कैन ऑल्सो कलेक्ट देयर पास पेपर सेट फ्रॉम द रिसेप्शन बेटा। ठीक है, अच्छा जी, ओ लेवल पेपर वन नोट्स। Just give me a minute. क्लास वो पहले से असल में सॉल्व हुए हैं, तो मैं जल्दी से डिलीट कर रहा हूं अभी ताकि आप लोग को वापस से पूरा सॉल्व करवाऊ मैं सारे क्वेश्चंस। अच्छा जी, वी आर गुड, सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन बैक अगेन एंड वी कैन सॉल्व द रिमेनिंग पास पेपर क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। बड़ी आराम से क्लास में आप लोग को वन बाय वन सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। ये बोल रहा है क्लास, एग्जामिनर यहाँ पे बोल रहा है दिस बस कैरीज सिग्नल्स
यूज्ड टू कोऑर्डिनेट द कंप्यूटर एक्टिविटीज। तो क्लास कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना है, कोऑर्डिनेशन का मतलब है क्लास सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन करनी है। तो आपको अच्छी तरह पता है कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने के लिए दो सिग्नल्स होते हैं, मैंने आप लोग को बताया भाई, दो सिग्नल्स आर कॉल्ड टाइमिंग सिग्नल्स। और ये टाइमिंग सिग्नल्स कौन सी बस कैरी करती है, टाइमिंग सिग्नल्स कौन सी बस कैरी करती है आपके पास, कंट्रोल बस। लेट मी शो यू एज वेल, अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को क्लास बताया था दैट टाइमिंग सिग्नल्स इज कैरीड आउट विद बाय द कंट्रोल बस। यू कैन सी ओवर हियर, टाइमिंग सिग्नल्स आर जनरेटेड बाय कैरीड बाय कंट्रोल बस। एंड ये क्या करता है, आपके पास सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन करता है। तो एग्जामिनर ने क्या किया, सिंक्रोनाइजेशन के बजाय क्या वर्ड यूज कर लिया, क्या वर्ड यूज कर लिया, द एग्जामिनर यूजेस द वर्ड कोऑर्डिनेट। तो इस तरह चेंजेस भी कर देता है एग्जामिनर, ठीक है ना। तो एग्जाम के अंदर इस तरह की चेंजेस भी आपके पास आती हैं। अब ये अगला पार्ट बोल रहा है क्लास, बाई डायरेक्शनल बस यूज टू एक्सचेंज डेटा बिटवीन प्रोसेसर मेमोरी एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो क्लास बाई डायरेक्शनल बस है और डेटा एक्सचेंज कर रही है क्लास, इट विल बी डेटा बस बिकॉज एड्रेस बस इज यूनिडायरेक्शनल। और आखिर में बोल रहा है क्लास यूनिडायरेक्शनल, तो वी नो वी ओनली हैव वन बस दैट इज यूनिडायरेक्शनल, दैट इज एड्रेस बस, डन। आगे बोल रहा है क्लास, अब आपको यहाँ पे फेच एग्जीक्यूट साइकिल की नंबरिंग करनी है। दिस क्वेश्चन क्लास कंसिस्ट ऑफ 5 मार्क्स, आपको फेच एग्जीक्यूट साइकिल की नंबरिंग करनी है। तो क्लास मैंने आप लोग को नंबरिंग करने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं, मैंने आप लोगों को क्लास पूरी साइकिल डिफाइन करी भी है बड़ी अच्छी तरह। अगर मैं आपको शो करूं, हियर यू गो, सबसे पहला स्टेप पीसी प्रोग्राम काउंटर, देन एमएआर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, देन एमएआर टू एमडीआर, देन सीआईआर, देन पीसी प्लस वन, देन डीकोड, देन एग्जीक्यूट। तो मैंने आप लोगों को पूरी साइकिल क्लास बताई भी है, पूरी साइकिल याद करवाई भी है, ठीक है। सो नथिंग टू वरी अबाउट, आप लोग जल्दी से क्या कर सकते हैं, ये पूरी साइकिल को यहाँ पे नोट कर सकते हैं। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन इसने लिखा हुआ है पीसी कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच। अगला क्या होता है, पीसी कहाँ जाता है, एमएआर के पास। नाउ लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी, हियर यू गो, एमएआर इज कॉपीड टू, सॉरी पीसी इज कॉपीड टू एमएआर। सो दिस विल बी आवर सेकंड स्टेप। आफ्टर दिस हमारे पास क्या होता है, हम MAR को लेके जाते हैं टूवर्ड्स MDR। कहाँ लेके जाते हैं MAR को, MDR के पास। तो लेट्स सी कहां पर है, कहां पर है, कहां पर है, हियर यू गो, MAR, MAR इज प्लेस्ड इन MDR मेमोरी डेटा रजिस्टर। सो दैट इज द थर्ड स्टेप। अब क्या होता है, MDR जाते हैं CIR के पास। सो 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 हियर यू गो, MDR इज कॉपीड टू CIR। उसके बाद क्या होता है, हम लोग पीसी की वैल्यू को प्लस वन करते हैं, पीसी की वैल्यू को हम लोग प्लस वन करते हैं। सो यू कैन सी द वैल्यू ऑफ द प्रोग्राम काउंटर इज इंक्रीमेंटेड बाय 1 टू फेच द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, तो दिस विल बी 5। और फिर हम लोग क्लास क्या करते हैं, डीकोड, और फिर हम लोग क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। सो दिस विल बी आवर सिक्स्थ स्टेप। इफ एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन इफ एनी, देन वी प्लेस दैट एड्रेस इन MAR। ये बोल रहे क्लास की अगर कोई जंप वगैरह करनी हो, कोई कोड के अंदर चेंजेस करनी हो, तो आप पहले ये करते हैं और फाइनली आप लोग क्लास क्या करते हैं, अपने इंस्ट्रक्शंस को डीकोड एंड एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो क्लास दिस वाज वन ऑफ द वेरी फेमस क्वेश्चन, बहुत फेमस क्वेश्चन हुआ था ये आपके पास, और आई थिंक 2016 का क्वेश्चन है ये। सो दिस वाज वन ऑफ द वेरी फेमस क्वेश्चन ऑफ वॉन न्यूमैन, क्या आपके पास एग्जामिनर ने नंबरिंग करवाई थी आपसे, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बेटा प्रॉपरली क्लियर है, ठीक है, बिकॉज हम लोगों ने पूरा हर चीज यहाँ पे सिस्टमेटिक तौर पर पढ़ी हुई है। Let me see if you have any questions. आप लोगों का कोई question तो नहीं है? Let me check. Let me open my Mac chat. Let's see. Oh. Sir, page number. Sir, page number. Sir, आवाज lag कर रही है. Okay. आवाज भी lag कर रही है भाई मेरी तो. Page number class मैं आपको बताना भूल गया. पेज नंबर सबिका ने हमें बता दिया, पेज नंबर 11, मैं भी आपको बता देता हूं, पेज नंबर इज 140 आप लोग की बुकलेट का क्लास, पेज नंबर 141 है ये।
हाँ शयान बेटा, पासवर्ड आपको अभी मैं क्रिएट करूंगा आपका, ठीक है ना। आपके पासवर्ड्स, आपकी आईडीज, जो बहुत सारे नए बच्चे आए हमारे पास, और आप लोग की पासवर्ड्स, आप लोग की आईडीज क्रिएट की जाएंगी अभी, ठीक है। आज रात तक क्रिएट हो जाएंगे और आप लोग को मिल जाएगा। अब्दुल्ला इरफान ने बता दिया कि पेज नंबर भाई 147 पे है सर, 147 पे। अब्दुल्ला लतीफ इज आस्किंग फॉर पासवर्ड। बेटा आई डोंट नो अबाउट दैट, आपको टीसीआर के एडमिन बता देगी अबाउट द कॉस्टिंग। मुझे आइडिया नहीं है बिल्कुल भी, बिकॉज वही लोग प्रिंट करवाते हैं और वही लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्लास यहाँ पे। अच्छा, फैजान को क्लास 6 वाला समझ में नहीं आया। फैजान को 6 स्टेप समझ में नहीं आया। देखो फैजान, देखो मैं तुम्हें 6 समझाता हूँ, मैं तुम्हें 6 समझाता हूँ। अच्छा किया तुमने सवाल कर लिया फैजान, अच्छा किया तुमने सवाल कर लिया। तुम्हें मैं 6 समझाता हूँ। ये देखो, बारे में ना ये बात कर रहा है। ये देखो, ये बोल रहा है भाई 1001, 1002, 1003, 1004। ये बोल रहा है भाई पीसी, ये आपका मेमोरी एड्रेस है। क्या बता रहा है ये? दिस इज योर मेमोरी लोकेशन या मेमोरी एड्रेस। अब क्या होता है, अगर आपके पास पीसी है, प्रोग्राम काउंटर, तो प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? इट होल्ड्स द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। फॉर एग्जाम्पल, ये इंस्ट्रक्शन हमारा एग्जीक्यूट हो रहा था, तो पीसी के अंदर क्या होगा, ये वैल्यू होगी। दैट्स व्हाई हमेशा हम क्या करते हैं, पीसी प्लस वन। तो क्लास, क्या पता, क्या पता यहाँ पे एक ऐसा इंस्ट्रक्शन था, उसने बोला कि भाई अब आपको डायरेक्टली जंप करके जाना है 1009 के पास। आपको यहां से जंप करके डायरेक्टली जाना है 1009 के पास। तो नाउ इंस्टेड ऑफ प्लस वन, I will be performing plus 1, 2, क्या हो जाएगा इसमें, क्या ऐड करूं, 2 में 7, plus 7 ऐड करूंगा मैं, तो मैं 9 के पास पहुंच जाऊंगा। तो ये जंप्स वगैरह के लिए यहाँ पे बात हो रही है कि अगर कोई जंप्स वगैरह लगानी है आपको कोड के अंदर, एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन इफ एनी इज प्लेस्ड इन द MAR। तो बोलता है अगर कोई चीज जंप वगैरह करवा के वापस आपको चेंज करना है MAR की वैल्यू के अंदर, कोई जंप लगानी है, कोई चेंजेस करनी है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे प्लेस कर दोगे। That is what the examiner is saying in this part. ठीक है? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्लास यहाँ पे अब। Now let's see. अच्छा, मैं जो क्लास के लेक्चर्स है ना, ये भी मैं आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगा आज, इंशाल्लाह ताला, होपफुली। मैं आगे बढ़ा क्लास। अब ये बोल रहा है क्लास, स्टेट 3 टास्क डन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्लास कोई भी लिख दे, मेमोरी मैनेजमेंट, कोई भी 3 टास्क लिख दे, मेमोरी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, इंटरप्ट हैंडलिंग, मल्टीटास्किंग, कोई भी क्लास 4 लिख देगा, ठीक है ना। इट्स वेरी इजी, आसान सवाल है। आई होप आपको इसके अंदर कोई डाउट नहीं होगा। वॉट इज एन इंटरप्ट, मैंने आप लोगों को क्लास लिखवाया हुआ है कि इंटरप्ट क्या होता है। डेफिनेशन इज रिटन, इंटरप्ट इज अ सिग्नल जनरेटेड फ्रॉम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। सो इंटरप्ट की तो क्लास मैंने आप लोगों को बिल्कुल प्रॉपर डेफिनेशन लिखवाई हुई है, ठीक है। तो आप लोग इजिली इंटरप्ट तो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। स्टेट हाउ एन इंटरप्ट इज जनरेटेड, इंटरप्ट कब जनरेट होता है क्लास, ये अच्छा सवाल है, बड़ा बेहतरीन सवाल है। ये मैंने आप लोगों को लिखवाया हुआ भी नहीं है, ठीक है। सो व्हाई नॉट, ये सवाल मैं जरा आप लोगों को नोट्स में ही लिखवा दूं, हाउ इंटरप्ट इज बीइंग जनरेटेड, हाउ इंटरप्ट इज बीइंग जनरेटेड। ये पेपर में क्लास अगर सवाल आ जाए, हाउ इंटरप्ट इज बीइंग जनरेटेड। क्लास इंटरप्ट कैन बी जनरेटेड क्लास विथ 3 रीजंस, 3 रीजन की वजह से इंटरप्ट जनरेट होता है। पहला, हार्डवेयर फॉल्ट। आपके हार्डवेयर में कोई फॉल्ट आ जाए, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल पेपर जैम, प्रिंटर के अंदर आपका पेपर जैम हो गया,
एक और रीजन क्लास, सॉफ्टवेयर भी आपके पास ये इंटरप्ट जनरेट कर सकता है, सॉफ्टवेयर फॉल्ट, लाइक एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर नीडिंग यूजर इनपुट। यूजर का कोई इनपुट चाहिए था, कोई रिक्वायरमेंट थी, तो उस केस में भी आपके पास क्लास क्या होता है, इंटरप्ट जनरेट हो जाता है। तो सॉफ्टवेयर भी जनरेट कर सकता है, हार्डवेयर भी जनरेट कर सकता है, एंड फर्दर कोई फैटल एरर आ जाए आपके पास, कोई बहुत खतरनाक एरर आ जाए, उस केस में भी आपके पास क्या होता है, इंटरप्ट्स आर बीइंग जनरेटेड। एग्जाम्पल फेडरल एरर की क्लास, एग्जाम्पल फेडरल एरर की हमारे पास पावर फेलियर, लाइट चली गई, पावर फेलियर, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेटल एरर, बिकॉज आपका अगर काम डिलीट हो गया, अगर आपका काम इरेज हो गया, देन द डाटा इज गॉन। और डाटा, हम ये सब काम करते क्यों है, इतनी मेहनत करते क्यों है, कंप्यूटर का स्ट्रक्चर पढ़ते क्यों है, बिकॉज हमें अपना डाटा सेव करना होता है, ठीक है। सो ये तीन मेजर रीजन है क्लास के व्हाई इंटरप्ट्स आर बीइंग जनरेटेड, हाउ इंटरप्ट्स आर बीइंग जनरेटेड। इट कैन बी अ हार्डवेयर फॉल्ट, प्रिंटर पेपर जैम, सॉफ्टवेयर फॉल्ट, सॉफ्टवेयर का कोई नीडिंग एंड यूजर डिफाइन इनपुट, और इट कैन बी जनरेटेड इफ एनी फैटल एरर्स क्लास अकर्स, ठीक है ना भाई। आगे बढ़ते हैं, अब ये बोल रहा है क्लास, एन एक्सचेंज ऑफ द सिग्नल बिटवीन टू डिवाइसेस टू अलाउ कम्युनिकेशन टू टेक प्लेस। व्हाट इज दिस कंप्यूटर फंक्शन? तो क्लास आप सबको पता है, एक ऐसा क्लास बोल रहा है कि दो डिवाइसेस आपस में बात कर सके, तो आपको पता है द एग्जामिनर इज टॉकिंग अबाउट प्रोटोकॉल, तो प्रोटोकॉल की मदद से आप लोग क्या कर सकते हैं, दो डिवाइसेस आपस में बात कर सकती हैं। ये जो क्वेश्चन आप लोग के सामने नजर आ रहे हैं क्लास, ये बहुत पुराने पुराने क्वेश्चन है, ये लेटेस्ट क्वेश्चन नहीं है, लेटेस्ट क्वेश्चन तो मैं आप लोगों को और भी अभी करवाऊंगा बहुत सारे, ये समझे 2002 का क्वेश्चन है ये वाला, जो भी आप लोग कर रहे हैं, ये वाला 2002 के से मैंने ये सवाल उठाया हुआ है। अच्छा अगला ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, आई थिंक 2017 का सवाल है, ये बड़ा बेहतरीन सवाल था ये भी। ये देखो सवाल, देखो ये बता रहे हैं कि मेमोरी के अंदर ना दो चीजें होती हैं, एड्रेस और कंटेंट। कंटेंट क्या होता है, आपका डाटा होता है, कंटेंट क्या होता है, आपका डाटा होता है, और एड्रेस क्या होता है, आपकी मेमोरी लोकेशन, मेमोरी लोकेशन क्या होती है आपके पास, दैट इज योर एड्रेस। अब क्या बोल रहा है क्लास, सभी का बेटा आपने पास पेपर्स ओपन किए हुए गलती से, आपको पास पेपर्स ओपन नहीं करने, आपको ओ लेवल P1 नोट्स ओपन करने बाय मैक, आपको टोटल आई थिंक 7 बुकलेट्स मिली होंगी, सो ये वाली बुकलेट ओपन करें, नोट्स वाली बुकलेट ओपन करें, उसके अंदर ये सवाल करवा रहा हूं मैं, दिस इज द बुकलेट ऑफ द नोट्स, P1 नोट्स आप ओपन करें जरा, ठीक है ना, वहां पर है सवाल। अच्छा जी, अब ये बोल रहे क्लास यहाँ पे, लेट्स सी, ये बता रहे क्लास, द कॉन्टेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन ये आर टू बी रीड, ठीक है, आर टू बी रीड। वो बोल रहा है क्लास MAR और MDR की वैल्यू बता दो। तो क्लास ये देखिए, ये बोल रहा है मेमोरी लोकेशन, तो मेमोरी लोकेशन क्लास क्या होता है आपके पास, आप सबको पता है, दैट इज MAR, तो दिस इज एक्चुअली मेमोरी लोकेशन। अब क्लास बता रहे ये मेमोरी लोकेशन, ये मेमोरी लोकेशन क्लास क्या होगी, इस मेमोरी लोकेशन के ऊपर मैं गया, हियर यू गो, तो इस मेमोरी लोकेशन में जो डेटा होगा क्लास, दैट इज एक्चुअली कंसीडर्ड एज द डेटा इन MDR। तो MAR एड्रेस, MAR एड्रेस एंड क्लास MDR मेमोरी डेटा रजिस्टर इज द डेटा। सो डन, अगला पार्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अब देखें जरा, ये बोल रहे द वैल्यू, डेटा बोलने, कंटेंट बोलने, वैल्यू बोलने, सबका मतलब क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट द डेटा। ये बोल रहे क्लास द वैल्यू इज टू बी रिटेन इन टू द मेमोरी लोकेशन, ये तो क्लास लिख दें, आपको पता है मेमोरी लोकेशन कहाँ जाती है, MAR के अंदर, और वैल्यू कहाँ जाती है आपके पास, MDR के अंदर, 0111
1001. And when we talk about the MAR, 1001110. Done. So this is class one of the questions of von Neumann architecture. State, अब ये बोल रहा है क्लास ऊपर हमने दो रजिस्टर्स की बात कर ली, MAR और MDR. ये बोल रहा है तीन रजिस्टर और बता दो. तो क्लास आपको पता है प्रोग्राम, काउंटर, एक्यूमुलेटर एंड करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर. अब ये बोला क्लास व्हाट इज द रोल ऑफ कंट्रोल यूनिट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट. तो क्लास मैंने पूरा आप लोग को लिखवाया हुआ है, पूरा आप लोग को लिखवाया हुआ है. आप लोग जस्ट यहां पे देख के लिख सकते हैं, जस्ट आप लोग क्लास यहां पे देखें, लिखें पूरा. मैं आप लोग को अब नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि मैंने आप लोग को पूरा कंट्रोल यूनिट के बारे में लिखवाया हुआ है. यूज टू जनरेट द टाइमिंग सिग्नल, यूज टू इंस्ट्रक्ट द अदर कॉम्पोनेंट्स एंड कंटेन प्रोग्राम काउंटर एंड CIR. लेट्स मूव फॉरवर्ड, मैं आगे बढ़ा फर्दर. क्लास कुछ डेफिनेशंस यहां पे मांगी हुई एग्जामिनर ने, कुछ डेफिनेशंस मांगी हुई है. बफर्स यू गाइस कैन एक्सप्लेन, गेटवे आप लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते मैंने क्योंकि नहीं बताया अभी तक आप लोगों को. वैलिडेशन आप लोग अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मैंने नहीं पढ़ाया अभी तक आप लोग को. पूलिंग यू कैन एक्सप्लेन, ठीक है. तो आप लोग क्लास ये दो चीजें अभी आप लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बाकी मैंने दोनों की डेफिनेशन आप लोग को प्रॉपरली लिखवाई हुई है क्लास, ठीक है. अशर इजाक इन सब बफर और रैम में डिफरेंसेस भी बता दें, बता देता हूं अशर, नो इश्यूज. ओके लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन क्लास, जरा देखें यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे. लेट्स सी ये क्लास आप लोग को इस साल, अच्छा ये आप लोग के पास पेपर का क्वेश्चन नहीं है, ये मैंने खुद बनाया हुआ है क्वेश्चन. एंड इस साल ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस साल आपका एग्जामिनर आप लोग को कुछ इसी तरह की डायग्राम देगा, ठीक है. आप लोग को इस तरह की कुछ डायग्राम देगा एंड योर एग्जामिनर इज गोइंग टू आस्क यू, आपसे पूछेगा कि जरा बताओ, लेबलिंग करके बताओ मुझे कि कहां पे क्या चीज जा रही है, कौन सी बस कहां पर है, क्या है एक्स वाई जेड. तो क्लास अभी वो इस वाली आपके पास क्वेश्चन के अंदर तीन मार्क्स का सवाल है एंड द एग्जामिनर इज आस्किंग यू अबाउट द बसेस, वो बसेस के बारे में पूछ रहा है, ठीक है. तो क्लास मैंने सबसे पहले देखा रजिस्टर्स एंड मेन मेमोरी के साथ बाई डायरेक्शनल क्लास आपके पास सी है, तो ये कौन सी बस हो सकती है, ये भी डाटा, ये भी डाटा और बाई डायरेक्शनल. तो क्लास सी इज एक्चुअली योर, मैंने प्रिडिक्ट किया दिस विल बी डाटा बस. अब मैंने क्लास चेक किया एक बस मेरे पास यहां पे, एक बस क्लास मेरे पास यहां पे यूनी डायरेक्शनल थी, एक डायरेक्शन के अंदर काम कर रही थी. यू कैन सी जो बस रजिस्टर्ड से निकल के MAR से निकल के सीधा आ रही थी यहां पे मेमोरी के पास, और ये बस क्या है आपके पास, दिस बस इज यूनिडायरेक्शनल. तो क्लास दिस बस इज एक्चुअली योर एड्रेस बस, ठीक है. और क्लास यहां पे ए की बात हो रही है, तो ए क्लास क्या होगा आपके पास, सिस्टम क्लॉक जनरेट कर रही है, टाइमिंग सिग्नल जनरेट कर रही है. तो टाइमिंग सिग्नल्स कौन कैरी करता है, कौन कैरी करता है टाइमिंग सिग्नल्स आपके पास, कंट्रोल बस. ये मैंने कैसे प्रिडिक्ट किया, बिकॉज सिस्टम क्लॉक से ये सिग्नल जनरेटेड था, सिस्टम क्लॉक से ये सिग्नल जनरेटेड था. तो टाइमिंग सिग्नल्स कौन जनरेट करता है आपका, आपकी कंट्रोल बस. अब ये बोल रहा है क्लास ये चारों रजिस्टर्स को एक्सप्लेन कर दो, तो यू कैन एक्सप्लेन प्रोग्राम काउंटर, यू कैन एक्सप्लेन MDR, यू कैन एक्सप्लेन दिस एंड यू कैन एक्सप्लेन MAR एज वेल. सबकी डेफिनेशन में आप लोग को लिखवाई भी है, जस्ट आप लोग क्या करेंगे, यू गाइस आर गोइंग टू explain this stuff over here.
अगेन बैक टू द टॉपिक, आप लोग को मैंने बार बार समझाया हुआ है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टफ इज मैक लेक्चर. सबसे पहले जब आप लोग तैयारी करेंगे कैम्ब्रिज की, सो यू नीड टू कंप्लीट द तैयारी फ्रॉम मैक लेक्चर. सो आप लोग को अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे, तो मैंने आप लोग को सारे रजिस्टर्स वन बाय वन लिख पाए होंगे. हियर यू गो, CIR, MDR, MAR, प्रोग्राम काउंटर एंड ऑल द रजिस्टर्स. नाउ लेट्स सी आगे बढ़ा क्लास में यहाँ पे. एंड अब हमारे यहाँ पे आंसर स्टार्ट हो गए, और इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन है क्लास, आप लोग वो खुद ट्राई कर सकते हैं. आसान क्वेश्चन हैं, इतने कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है. दे आर जस्ट ऑफ अ थ्योरी पार्ट, थ्योरी वाले सवाल है. कंट्रोल यूनिट एक्सप्लेन कर दें आप लोग को लिखवाया भाई, यू कैन इजीली एक्सप्लेन. मेमोरी यूनिट एक्सप्लेन कर दें आप लोग को लिखवाया भाई, यू कैन इजीली एक्सप्लेन. आप लोग को यहाँ पे वो बफर और इंटरप्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे गिवन है, ठीक है. तो यू गाइस कैन इजीली एक्सप्लेन दैट स्टफ. और जिन बच्चों ने अभी कुछ सवाल किए बताए कि सर ये वाला सिनेरियो बाद में एक्सप्लेन कर देगा, तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस स्टफ. मैं आप लोगों को बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा. एक्चुअली अजाने हो रही है क्लास, तो आज हम लोग अब इसको यहीं पर होल्ड करेंगे. एंड इंशाल्लाह ताला अगली क्लास के अंदर वी आर गोइंग टू किक ऑफ विद अ न्यू चैप्टर क्लास.